हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर जेई मेंस एज वेल एज फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विथ वेवी कर्व मेथड सारा कंप्लीट हो रखा है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। ठीक है, उसी को कंटिन्यूएशन में, उसी को प्रॉब्लम सेशन के फॉर्म के कंटिन्यूएशन में फिर से ये वीडियो है। ओके, वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ओके, नाउ आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 3, प्रॉब्लम सेशन लेक्चर 3। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट यानी लास्ट वीक का मतलब ट्यूजडे को जो आपके साथ किया था, इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, लोकेशन ऑफ रूट्स पर कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे, और एक हमने बच्चों होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, उसका हम यहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर्स 3, प्रॉब्लम्स लेक्चर 3। ओके, देखो इसमें हमें कुछ कुछ क्वेश्चन वो लेना है जो इक्वेशन है लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और आया हुआ भी है जेई मेन या एडवांस में। ठीक है, जैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब दो तीन पार्ट्स मर्ज करके आते हैं टाइम डिपेंडेंसी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको आप देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक तरीका यह है कि हम किसी क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही गौर से देखते हैं जिससे कुछ माइंड में कैलकुलेशन या कुछ सिमेट्रिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे यदि ध्यान दो इसको अच्छे से, कैसे ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है ना, तो क्या करेंगे, एक है बेस 5 + 2√6, दूसरा है बेस 5 − 2√6, है ना। यहां पर तो 5 + 2√6 और 5 − 2√6 क्या होता है, अच्छा 10 होता है ना, वही यहां लाना है। इसका मतलब पावर में 1 लेना होगा। ठीक है, और क्योंकि एक दूसरे का कंजुगेट है तो पावर में -1 भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। यानी यहां से बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आंसर तो सीधे आ गया, बाय हम यहां पर यदि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो आंसर क्या आ गया, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब इस तरीके से आप सोचो कितना आसान आसान क्वेश्चन, वैसे ये पुराना टाइम का एटीज है, आसान ही आते थे ज्यादा, है ना, अभी भी आसान आते हैं। बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, x²-3 = जो पावर है वो +1 होगा तो ये आ रहा है, -1 होगा क्योंकि कंजुगेट में है इस वजह से तो +-1 आ गया, है ना, बहुत सिंपल है ना। यानी यहां से हमारे पास x के वैल्यू आ गया ना, x²-3 = x²-3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां से x = +-2 होगा और एक बार -1 रखेंगे तो वहां से आ जाएगा x²-3 = -1, यानी +-√2 ले लेते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा यहां। यानी इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ कितने रियल रूट्स आ गए, नंबर ऑफ रियल रूट्स एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। आसान है ना, कितना आसान क्वेश्चन आया था ये। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन का प्रोसीजर क्या होता है, जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा जो देखने में थोड़ा सा डरावना इररेशनल नंबर हो, इसका मतलब हमें वो देखना है दोनों जो इरेशनल नंबर है ना वो दोनों एक दूसरे के 100% केस में कंजुगेट होंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और ऐसा कंजुगेट होगा कि उनका प्रोडक्ट भी 1 आ रहा होगा या कुछ कांस्टेंट ऐसा हो रहा होगा जो ऊपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व,
बेसिकली इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेना है। इसको क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए देखो क्या करना है, इसमें यदि हम जानते हैं कि एज 5 + 2√6 इंटू 5 − 2√6, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, a² − b² a + b × a − b, a² − b², दैट इज इक्वल टू यहां पर 25 − 24 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये 1 है, इसका मतलब यदि a लिखे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया ये, यानी 5 + 2√6 इज इक्वल टू 1/5 − है ना, 5 − 2√6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, वही यहां बेस में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, सो लेट 5 + 2√6 टू द पावर x² − 3 इज इक्वल टू t ले लिया, क्या ले लिया इसको t। तो जब इसको t लिए हैं तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो 1/t हो जाएगा ना, क्योंकि यहां देखो ये 1/ में है, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 − 2√6 टू द पावर x² − 3 इज इक्वल टू 1/t होगा। तो ये 1/t हो गया। इक्वेशन रिड्यूसेस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सो इक्वेशन कैसे आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, रिड्यूसेस टू क्या आ गया इक्वेशन, यही देख रहे हैं, t + 1/t इज इक्वल टू 10। यहां से अब हम t निकाल के वहां पुट कर देंगे, देखो सीधे आ रहा है t² − 10t + 1 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 5 + −2√6 ही आ रहा होगा, है ना भाई। देखो क्वाड्रेटिक की ना 7-8 क्लास हो चुकी है, पहले से भी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने आता था 10th से 9th से भी, इसका मतलब अब तो वो टाइम आ चुका है, अब वो उम्र हो चुकी है जिसमें हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक को देख के यदि छोटा मोटा मोटा छोटा डेटा है बच्चों तो सीधे t लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, ठीक है। यदि वो उम्र नहीं आई है और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी उम्र वो कम है, ठीक है, ये मान सकते हैं। तो अब t आ गया, ये मतलब जो जिसमें अब नॉर्मल डेटा हो वो तो चलो लिख के करेंगे, लेकिन जो अच्छे डेटा जो वाले हो वो तो सीधे यहां से कर लेंगे, है ना। अब यहां से दो केस आ जाएगा कि इफ टी इज इक्वल टू 5 + 2√6 है तो यहां से x² − 3 है 1 है, आ जाएगा ना सेम, और यदि 5 − 2√6 है तो यहां से t इज इक्वल ये वाला −1 आ जाएगा। तो वो तो हमने डायरेक्ट ही ऑब्जर्वेशन किया था बच्चों, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये कितना आया था 3 + 1 = 4, 3 − 1 = 2, यानी 4 रूट्स तो आ गए, इसका मतलब एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है और हमें अच्छे से ध्यान देना होता है कि किस तरीके से ये सोल्व होगा। इसी को और आगे, जैसे ये तो आईआईटी में आया हुआ है, इसी को और आगे देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे हम एक्सपोनेंशियल वाला ही ले, है ना, और देखो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, नॉर्मल सी बात है, वही करना है। जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं चलो 4 × x + 6 × x इज इक्वल टू 9 × x, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में देखा था, आपको फंक्शन में बताया जा चुका है, जिसमें ग्राफिकल व्यू से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए थे, सर ने अच्छे से बता दिया है। अब हमें एग्जैक्ट एक्स बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताना है, वो एक्स क्या होगा ये बताना है। तो हम अभी अभी क्या किए थे, हमने अभी अभी किया था कि यदि एक्सपोनेंशियल है तो उसको क्वाड्रेटिक में बदल देंगे। सोचो इसमें हम कैसे बदलेंगे भाई, यहां पर 4 × x है, 6 × x है, 9 × x है, हमें किसी भी हालत में इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में बदलना है इन गिवन फिक्स टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये यहां से x निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है, क्वेश्चन तो एकदम आसान है ना,
और समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, आ रहा है ना? ना, जैसे यदि हम ये देखें कि इसमें क्या है ना, किसी भी स्टूडेंट को जो अच्छा लगता है 469 में से, सबकी अपनी अलग च्वाइस है ना, जो अच्छा लगता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा मतलब 469 लग रहा है लेकिन डिवाइड पावर एक्स को ध्यान में रख के लेंगे, तो सपोज हम पूरे को 4 के पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा, 6 के पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा, 9 के पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमें यह ध्यान देना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किए भाई, चलो 4 के पावर एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा है ना बेचारा, कुछ ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, इससे यानी हमने डिवाइड कर दिया 4 टू द पावर एक्स से, डिवाइडिंग बाय 4 टू द पावर एक्स, ठीक कर दिया डिवाइड। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 प्लस 6 बाय 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 9 बाय 4 टू द पावर एक्स, लिख सकते हैं ना, 4 टू द पावर एक्स से डिवाइड किया है तो यही आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी, देखो 9 बाई 4 का मतलब 3 बाई 2 का स्क्वायर होता है, और इसको इधर कर लिया ये 3 बाई 2 होता है, और ये भी 1 है, लिख सकते हैं ना इसको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ले जाके सबको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया भाई, ठीक है? तो ये आ गया, अब देखो ये देखने से ही क्वाड्रेटिक लग रहा है ना, नाउ लेट 3 बाई 2 टू द पावर x, इसको ले लेते हैं t, क्या ले लेते हैं t, तो यहां से इक्वेशन रिड्यूसेस टू t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा ना, फॉर्मूला याद है, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है? ये तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, सोचो मुझे अभी तक याद है 20-25 साल से। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही ना, 1 प्लस 4 5 यहां हमने लिख दिया। अब देखो, अब यहां से इसका मतलब ये क्या आ गया, 3 बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू या तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आया है या 1 माइनस रूट 5 बाई 2 आया है। अब हम जानते हैं कि एज 3 बाई 2 टू द पावर x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना, कोई भी एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज 3 टू द पावर x या 3 बाई 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, एक कट गया, एक कैंसिल हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, है ना, नाउ 3 बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 बाई 2 है, यहां से हम x निकाल लेंगे। देखो ये लॉगरिथम वगैरह का कंसेप्ट कुछ कुछ आता है ना, यदि पावर में एक्स है ना, तो टू सोल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वी नीड ए न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक क्या होता है, एक पावर ही तो होता है, ये याद रखना है ना, ए टू द पावर यदि एक्स बी है कंडीशन के साथ तो एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू बेस ए होता है, याद है ना, यहां भी बेस था एक्सपोनेंशियल का, यहां भी बेस ही नाम है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो रूट 5 प्लस 1 बाय 2, तो यहां से x आ गया, x ही निकालना था, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 3 बाई 2 और यहां से रूट 5 प्लस 1 बाय 2, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आ गया आपका x का वैल्यू। यानी आसान था ना, हमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाए, लेकिन यदि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक सेगमेंट में है या जेई मेन तक है या जेई एडवांस तक है तो मोर देन 99% क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में,
क्लियर है। तो इक्वेशंस बच्चों कुछ होते हैं जो रिड्यूस किए जाते हैं क्वाड्रेटिक में, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक ना अच्छे से याद रखना है, बाकी को उसमें कन्वर्ट कर लेना है, बाकी को क्या करना है कन्वर्ट कर लेना है, वो कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लाइक एक्सपोनेंशियल वाला तो कर लिया, अब और क्या इक्वेशन होते हैं जो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक जब दिया हुआ है तो उसको हमें क्वाड्रेटिक में बदलना है, हमने पिछले क्लास भी किया था, ठीक है। उसी तरह का एक सेगमेंट आता है इसमें कंसेप्ट वाइज कि देखो दो पार्ट होते हैं, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी है, और यहां प्लस के है या इज इक्वल टू के है, ये होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ये आपको ध्यान देना है, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, x का कोफिशियंट सब में वन बना लेंगे। अब देखेंगे ऐसा है, ए बी सी डी इन चारों को देखेंगे, चारों को जब गौर से देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि ए बी सी डी में से किसी दो का समेशन रिमेनिंग टू के समेशन के इक्वल है, ए बी सी डी में से किसी दो का समेशन रिमेनिंग टू के समेशन के इक्वल है। तो जिन दो का समेशन इक्वल है बच्चों उन दो को एक साथ रखेंगे, बाकी को एक साथ रखेंगे, अपने आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक केस याद रखना है ना, इसमें या तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी होगा, ये दिया रहेगा, हमें कुछ सोच लेना नहीं, ये मानना नहीं है, नंबर्स को थोड़ी मान सकते हैं ना कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसा तो ले नहीं सकते। तो a प्लस सी और b प्लस डी ये आपका क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा बच्चों, ये आपका अच्छे से दिया हुआ रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, अब a और c को है ना, if a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस a और x प्लस c को एक साथ ले लिए, x प्लस सी को एक साथ ले लिए, ठीक है, और यहां पर है x प्लस बी और x प्लस डी है, एक साथ ले लिए, दिस इज इक्वल टू के है, दिस इज इक्वल टू के है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आ जाएगा आपका अच्छा वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर को देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस डी इंटू एक्स प्लस बी डी, ठीक, इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब देखो हमने ऑलरेडी ले रखा है ना a प्लस सी किसके इक्वल है बच्चों, a प्लस सी जो है वो है आपका b प्लस डी के इक्वल, देखो a प्लस सी किसके इक्वल है, b प्लस डी के इक्वल है, यानी a प्लस सी b प्लस डी इक्वल है, तो इसको हम पूरे को मान सकते हैं ना, यानी हम यहां से लेकर यहां तक इसको यदि t लेते हैं तो ये भी यहां से यहां तक ये भी क्या आ जाएगा आपका, मतलब क्वेश्चन का टी आ जाएगा, क्वेश्चन का क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ये ध्यान देना है। तो यहां से आपका आ गया टी प्लस ए सी इंटू टी प्लस बी डी और इज इक्वल टू के है, दैट इज क्वाड्रेटिक इन टी, क्वाड्रेटिक इन टी आ गया, ये किस में आ गया क्वाड्रेटिक, टी में क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं, आसान है ना। तो ये हमें अच्छे से बच्चों याद रखना है कि ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो सीधे हम कर सकते हैं। जैसे यदि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें है ना, एग्जांपल में मान लिया जाए x प्लस वन है, x प्लस टू है, x प्लस थ्री है, x प्लस फोर है, इज इक्वल टू 120 ले लेते हैं, अपना मन से कोई भी डेटा ऐसा ले लिया, हो सकता है सही आंसर मतलब इंटीजर आंसर आए या नॉन इंटीजर आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को अंदर में एक्स का कोफिशियंट यदि वन है तो बाकी को देखना है, सब में एक्स का कोफिशियंट वन है, नहीं है तो हम बना लेंगे डिवाइड वगैरह करके, ठीक है।
अब यहां पर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, चार नंबर हैं। जानते हो बच्चों वन प्लस फोर इज इक्वल टू क्या होता है, टू प्लस थ्री होता है। तो वन और फोर एक साथ ले लिया और टू और थ्री एक साथ ले लिया, वन और फोर एक साथ, टू और थ्री एक साथ। तो यहां से ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गया, नाउ दिस रिड्यूसेस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर, ये एक साथ है, और एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक साथ है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 120। आसान है कि नहीं, तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या किस तरीके से सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन का। बच्चों देखो हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स प्रोसीजर होता है, यदि वो आपने देख रखा है या खुद से एनालाइज कर रखा है, इट्स गुड फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के लिए जरूरी है कि जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएं या आपको करने हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट होता है उससे उसके बाद उसका प्रैक्टिकल्स, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल्स तो होते नहीं है, क्यों नहीं होते हैं, इतने पहले ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कि प्रैक्टिकल्स कहां से होंगे भाई, है ना। बाकी सब्जेक्ट में इतने प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाकी डेली रूटीन में भी होते रहते हैं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही बहुत सारे हैं, तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स होते नहीं है स्कूल वाइज, अभी तक तो नहीं है ना, धीरे धीरे चल रहा है होने का। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस बहुत करना होता है, प्रैक्टिस मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, उसी टाइप के 5-10 क्वेश्चंस की, जिससे वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल बताया जाए वही हम करेंगे, है ना, दूसरे को भी माना जा सकता है। जैसे ये आया, यहां से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, दिस इज इक्वल टू 120 है ना, है कि नहीं है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो हमने मेथड्स क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t मानना है, वो भी हो सकता है, दूसरा और क्या सोच सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को भी t लिया जा सकता है, तो ये t प्लस 2 हो जाएगा, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एज पर मेथड्स और नॉर्मल, है ना, हम इसको अब ना t ले लेते हैं, इसको क्या ले लिए, t। तो जब इसको t ले लिया है हमने बच्चों, तो ये इक्वेशन क्या आ गया, t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 इज इक्वल टू 120 है ना, ये क्या है 120, t स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 10t और माइनस 96 है, तो यहां से t आ गया ना, t देखो कितना आ गया माइनस 16 और प्लस 6 आ गया। अब t एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x को रख लेना है और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 6 रख लेना है, तो यहां से आंसर आ जाएगा ना, यदि हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x यदि है माइनस 16 है ना, तो माइनस 16 है, तो यहां से देखने से ही लग रहा है ना बच्चों नो रियल रूट्स, क्योंकि d लेस देन 0 है, इतना तो आगे सोचते हो, तो नो रियल रूट्स सोच लिए ना, क्यों, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों इसलिए देखा करो कि देखते ही देखते यदि आसान डेटा है या अपने रेंज का डेटा है, रेंज का मतलब रेंज भी इंक्रीज करो, पता चला छोटा ही रेंज चल रहा है वो अच्छा नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पता चला कि इसका लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। अब दूसरा वाला जो लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6 है, तो यहां से x क्या आ गया 1 और माइनस 6 आ गया ना, चलो ठीक है, सोल्व कर लेना डायरेक्ट, जितनी जगह है उतने में ही हम सोल्व कर ले रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक। आपको जेई के लिए क्या करना होता है, दिए हुए टाइम में, दिए हुए प्लेस में, दिए हुए स्पेस में, दिए हुए
क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ना कि आप अपने हिसाब से जो करते रहते हो। बार बार हम क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट जो कंडीशंस आपको दी गई है आप उसको फुलफिल करो, बाकी तो कोई किसी से मतलब है नहीं बच्चों। ठीक है, जो आपको इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब कहीं से भी हो सकता है ना। लाइक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जेई मेन बताता है आपको, यदि आप उसकी तैयारी करते हो तो इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब जेई मेन ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई मैं बताऊंगा ही नहीं कैसे टाइप के क्वेश्चन दूंगा, उनके सारे पीवाईक्यूज देखो, वो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, इतने टाइम दिए जाते हैं, इतना मार्क्स आना चाहिए, है ना। तो पर क्वेश्चन आप जज कर लो, पर क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लो, पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, अपने आप अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है नाउ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, एकदम छोटे मोटे सेक्शन। एक था हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताया था बच्चों, पिछले ही लेक्चर्स में बताया था, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम सेशन भी ओरिएंटेड उसका, और हमें आगे करते रहना है, बस ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है ये, लेट एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हमने बताया था मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, ये पिछले क्लास में है ना, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, वैसे तो उसके बाद भी थ्योरी आपका हो चुका है ना, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, जो भी पिछले सैटरडे को हुआ, सॉरी सैटरडे बोल रहे हैं, सैटरडे अच्छा दिन होता है ना, पिछले ट्यूजडे को हुआ था, है ना, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर ऑन ट्यूजडे हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज क्या होता है ना, इसका रेंज क्या होता है, रेंज बताया था ना, वैसे तो ग्राफ भी याद है, उससे डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट होता है, इफ ए पॉजिटिव है तो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो, और रेंज ही यही वाला है ना, इसी का रेंज क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई फोर ए, कब होगा ये, जब ए लेस देन जीरो है ना, और ये कब होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि इसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे दिया जाता है तो मामला चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें करना है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो ए क्या दिया हुआ है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें ये वाला लेना है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए लेना है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मिनिमम वैल्यू एम बी, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन फोर ए, तो माइनस डी अपॉन फोर ए ले रहे हैं, इसको हम d का मतलब, बच्चों d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, यही है ना। तो यहां से और कर सकते हो, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, यदि किसी ने पिछले ट्यूजडे वाला लेक्चर देख रखा है तो उनको डायरेक्ट ये याद है कि ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब c, c का मतलब वन, बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, तो ये आ गया आपका पुट करने से। ठीक है, तो यहां से 4 कट गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया मिनिमम, मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ b। अब आपने डोमेन और रेंज कर रखा है रिलेशन एंड फंक्शन में, या तो वहां से, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जेई में आया था, आसान ही होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर यदि दिया हुआ है तो बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा फॉर रियल के लिए, बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो फॉर रियल है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो यहां से रेंज सीधे देखो, हम रेंज निकाल लेते हैं,
सीधे क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। तो सीधे ये रेंज कैसे आया आपका, देखो बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस वन, वन अपॉन वन, वन एकदम सही बोले। बी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस वन, इनफाइनाइट वन बाय इनफाइनाइट जीरो, तो जीरो। जीरो कैसे आया है भाई, लिखने से नहीं आया, इन्फिनिटी रखने से आया है। इसका मतलब या तो इन्फिनिटी खुद आता है या अपने फैमिली मेंबर को भेजता है, यानी अपनी वजह से किसी को लाता है। ओपन इंटरवल लगता है, क्या लगता है, ओपन इंटरवल। और वन रखे हैं जीरो रख, मतलब वन आया है जीरो रखने पर, तो वो तो फाइनाइट है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल। तो ये आ गया आपका रेंज, याद रहेगा ना। देखो डायरेक्ट रेंज भी निकाल सकते हैं, तो जीरो से वन देखो कितना आसान है, जीरो ओपन और वन क्लोज। सोचो ये आईआईटी 2001 का क्वेश्चन है, आसान आसान होते हैं ना, सीधे आपको फॉर्मूले रख देने हैं। ये ऐसा ही और आने वाला क्वेश्चन, ऐसा ही और टाइप का क्वेश्चन हम कल के लेक्चर्स में भी करेंगे, एकदम आसपास ही चलते रहेगा, ठीक है। यानी दोनों लेक्चर्स देख लिए हर हफ्ते, इसका मतलब आपके पीवाईक्यूज तो सारे क्लियर, जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है उसके बाद पीवाईक्यूज बस कंप्लीट हो गया आपका, है ना, यही होता है। अब हम इस पर और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया किस पर बेस्ड है बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर। फिर इस पर बेस्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से दिया हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन है और ज्यादा। एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक है विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, एफ एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स यदि हमेशा पॉजिटिव होता है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, यदि ए पॉजिटिव है तो ही डी लेस देन जीरो, तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, यही दे रखा है ना। तो हम अपना मन से यहां एफ एक्स ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ले लिए। तो एज एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, यानी यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो एंड बी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, है ना, यानी यहां से हमारे पास रिलेशन ये रिजर्व हो गया, ए पॉजिटिव हो गया एंड डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ चुका है लेस देन जीरो, ये क्या आ चुका है, लेस देन जीरो आया है ना। तो बस ये हमने कर लिया, अब इसमें क्या करेंगे, नाउ जी एक्स, देखो बच्चों डिफरेंशिएशन है इसमें, एफ डैस एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैस एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये ध्यान देना है। तो अब देखो जी एक्स, जी एक्स में एफ एक्स है ये दिया हुआ है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, प्लस और क्या है, एफ डैस एक्स है, यानी टू ए एक्स, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस बी एक्स का, सी का तो जीरो होता है, एफ डबल डैश एक्स तो 2a हो गया, हुआ ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट के लिए हमने gx निकाल लिया। अब gx भी देखो फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, किसी क्वाड्रेटिक के नेचर ऑफ रूट्स को या एक्सप्रेशन देखने के लिए हमेशा हमें बच्चों क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो यहां भी हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो यहां से इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, चलो यही जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये आ गया। मतलब हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट टर्म, यही करना होता है ना। तो अब हम इसका डी निकाल लेंगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, बी स्क्वायर यानी टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, यानी टू ए प्लस बी प्लस सी, यही ना। अब इसको सोल्व कर दो, अपने आप आ जाएगा ये। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट आ गया,
डी डैश बोल देते हैं इसको, है ना, डी डैश है, क्योंकि डी ऑलरेडी लिखे हुए थे इसीलिए। तो डी डैश यहां से क्या आ गया, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली अब सोल्व कर देना है, है ना, ये आ गया 4ab माइनस, ये तो है इफ 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो देखो 4ab से 4ab तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर, यही ना। हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये ऑलरेडी हमने निगेटिव ले रखा है, देखो d ऑलरेडी निगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा निगेटिव है, अब माइनस 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस है, सो दिस इज ऑलवेज निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट इज जी डैश एक्स के साथ भी यही, मतलब सॉरी जी एक्स के साथ भी यही केस हुआ है आपका, जी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, दैट इज जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यही है ना, तो वही आंसर हो जाएगा, तो जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव था उसी जैसा जी एक्स आ गया। ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है ना समझ में, एकदम बेसिक है कंसेप्ट है, क्या है, एकदम बेसिक कंसेप्ट, इसमें कुछ वैसा करना ही नहीं है बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो आगे वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी लोकेशन ऑफ रूट्स पर, यह भी एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमें क्या देखना होता है, रूट्स नहीं दिया होता है बच्चों, रूट्स ये दिया रहता है किसी से कम है किसी से ज्यादा है, तो हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक के ग्राफ में दो चीज देखा जाता है, दो क्या, एक ही चीज देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड, निगेटिव है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वो पैराबोला ही होता है, टाइप क्या, पैराबोला ही होता है, ठीक है। तो हम यहां पर अल्फा लेस देन माइनस वन ले लिए और बीटा ग्रेटर देन वन ले लिए, और ये प्रूफ करना है किसी भी एक केस से, वैसे तो प्रूफ करने का मतलब दोनों केस से करना होता है। अब दिया हुआ ए बी सी आर रियल, तो अब हमें इसमें ए के बारे में नहीं दिया हुआ है ना बच्चों, ए के बारे में दिया ही नहीं है, तो अब हम इसमें ए का केस ले लेंगे, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, देखो एफ एक्स कब लेना है, जब हमें रूट्स ना देके पोजीशन ऑफ रूट्स यानी लोकेशन ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तब हम एफ एक्स लेते हैं बच्चों। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रहेगा ना। अब अलग अलग केस, केस वन, केस वन का मतलब ए ग्रेटर देन जीरो लिया, ए ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ एक है माइनस वन और एक है प्लस वन, अल्फा जो होगा वो यहां पर होगा माइनस वन से कम है और बीटा जो होगा वो वन से ज्यादा है। अल्फा बीटा रूट्स होता है, रूट्स एक्स एक्सिस पर लिखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पर लिखे जाएंगे, साइन जो आता है क्वाड्रेटिक का वो वाई का आता है यानी एफ एक्स का आता है। तो हमें यहां से ए यदि पॉजिटिव है तो ये, तो यहां से क्या लग रहा है कि फ्रॉम फिगर क्या है भाई, एक्स के जगह पर इसमें देखो माइनस वन रखेंगे तो वाई निगेटिव आ रहा है ना, ये तो समझते हो ना। यदि हम किसी इक्वेशन में रूट रखते हैं तो वो जीरो हो जाता है, रूट नहीं रखते हैं तो वो जीरो नहीं होता है, जब जीरो नहीं होता है तो जीरो से कम या ज्यादा होता है उसके हिसाब से, यानी पॉजिटिव या निगेटिव उसके हिसाब से। तो फिगर से हमें एफ ऑफ माइनस वन लेस देन जीरो है ना, एंड एफ ऑफ वन भी लेस देन जीरो है, बस। तो एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, देखो एफ एक्स लिए हुए है ना, ये है एफ एक्स, तो
लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो होगा, होगा ना। अब यहां पर हमें क्या लाना है बच्चों, ए डिवाइड में लाना है। अब क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ था, लेकिन मतलब ए नहीं दिया हुआ मतलब साइन नहीं दिया हुआ था। हमने कंसिडर किया एक केस कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए यदि पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दो, है ना। तो एज ए इज पॉजिटिव, ए तो पॉजिटिव है तो ए से डिवाइड करने पर कोई साइन नहीं चेंज होगा, तो वन माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो, इनइक्वालिटी भी हो चुका है आपका, वहां से भी देख सकते हो। ए से डिवाइड किए हैं तो वन प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहां से इन दोनों को मिलाने से तो सो ये वाला आ गया। मॉड का मतलब समझ रहे हो ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू या तो एक्स होता है एक्स पॉजिटिव पर या माइनस एक्स होता है एक्स नेगेटिव पर, है ना। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होता है, तो इसलिए मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखना इस स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा अच्छा टाइप का पाप होता है। तो 1 माइनस बी बाई ए प्लस या 1 प्लस बी बाई ए, ये दोनों केस आ गया, यानी हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना है ना। तो ये किसके लिए प्रूफ हो गया, जब ए पॉजिटिव लिया बच्चों हमने, जब ए हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। दूसरा केस यदि हम लेते हैं, केस टू, एफ एक्स क्या दिया हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, है ना। केस टू हमने लिया ए लेस देन जीरो, जब ए लेस देन जीरो लेंगे तो बच्चों ग्राफ कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ना, माइनस वन यहां है प्लस वन यहां है, ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इस केस में फ्रॉम फिगर इस केस में क्या हो गया, f ऑफ माइनस वन पॉजिटिव एंड f ऑफ वन भी पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि a पॉजिटिव है। देखो माइनस वन रखने पर ऊपर कट कर रहा है, वन रखने पर ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब y पॉजिटिव जा रहा है ना, y का मतलब एफ एक्स, वो ध्यान देना है। तो अब f ऑफ माइनस वन का मतलब a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव है एंड ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पॉजिटिव है, बस यही ध्यान देना है। अब इसके बाद कि एज ए लेस देन जीरो है तो जब डिवाइड करोगे, देखो किसी निगेटिव क्वांटिटी से किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उलट जाता है साइन। तो वन माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो आ गया, यही लाना था। a नेगेटिव है ना, तो 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो आ गया। तो दोनों को मिलाने से, यानी दोनों केस में, केस 1 और केस 2 को मिलाने से ये आ गया 1 प्लस मॉडुलस ऑफ बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो, आसान है ना, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीक में हमने कॉमन रूट्स भी किया था, ये सारे एकदम इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं, मस्ट मस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें, है ना। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अपने आप क्वाड्रेटिक आपका अपना हो जाएगा, और ऐसा अपना होगा कि जेई मेन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जेई एडवांस का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो हम कर लेते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स बच्चों। देखो हमने पिछले क्लास में ना एक होमवर्क दिया था कि ए एक्स स्क्वायर, देखो क्वेश्चन याद होगा आपको, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है ना, पिछले क्लास का क्वेश्चन ये था कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिए थे, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा लिए थे, सच दैट, है ना,
अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट थे, यानी रूट्स जो थे वो जीरो और वन के बीच में था ओपन इंटरवल में, एंड एबीसी आर नेचुरल नंबर, एबीसी नेचुरल नंबर था, तो बताना था मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया भी है और कुछ लोग के लिए हम और सोल्यूशन भी बता दे रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन भी बच्चों आपको याद रखना होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाइज। एक तो देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब एक ही ग्राफ बनेगा वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। देखो रूट्स है जीरो और वन के बीच में, तो जीरो और वन के बीच में रूट्स है, तो इसका जो ग्राफ बना लेंगे दोनों रूट्स इसके बीच में, यानी ये है रूट्स इसके, है ना, ये ग्राफ आ गया, ये है अल्फा ये है बीटा। ठीक, तो यहां पर हमें ये ध्यान देना होगा कि एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ऑल्सो रिटन एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्लियर है ये, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक, तो ये हम लिख ली, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में फ्रॉम फिगर एफ ऑफ जीरो क्या हो रहा है भाई, एफ ऑफ जीरो तो ऊपर कट करेगा और एफ ऑफ वन भी, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इंडिविजुअल भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट वाइज भी लिख सकते हो। तो एज एफ जीरो इंटू एफ वन पॉजिटिव है, है ना, यहां से बहुत सोचना है हमें, एफ जीरो इंटू एफ वन, एफ जीरो यदि हम इसमें रखते हैं तो सी है, सी तो ऐसे भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव होता है, ए माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव है। देखो अब यहां से हमें क्या सोचना है बच्चों, यहीं से सोचना शुरू होता है, सी पॉजिटिव है और ए प्लस सी माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया दिया हुआ है, तो जब ये पॉजिटिव है और ए बी सी नेचुरल है, ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो तो नेचुरल नंबर होगा जो कि स्टार्ट होता है वन से, तो इसी को हम हटा के सी ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिख सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन जीरो स्टार्ट कहां से होता है, वन से, वही, तो यहां से हम चले थे एफ जीरो इंटू एफ वन ग्रेटर देन जीरो लेके, लेकिन आ गया एफ जीरो इंटू एफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन में, आ गया एफ जीरो इंटू एफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन में आ गया ना। अब देखो यहां से शुरू करना है, नाउ F0 into F1 greater than equal to 1 का मतलब F0, अब यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो F0 का मतलब A अल्फा बीटा और F1, F1 का मतलब क्या हो जाएगा, A times 1 minus alpha 1 minus beta greater than equal to 1 है, यही है ना, तो F0 into F1 greater than equal to 1 से ये आया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं A square alpha 1 minus alpha beta 1 minus beta greater than equal to 0। अब यहां पर यहां से रोकना है, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, इसको ले लेते हैं 1, ठीक, A square ये 1 हो गया। अब हमें पता है कि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन अल्फा और बीटा जीरो और वन के बीच में भी हैं, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन अल्फा और बीटा जीरो और वन के बीच में भी है, तो नाउ नेक्स्ट यदि हम करते हैं, नाउ एज, देखो आप पीछे की थ्योरी देखनी होगी, एज एक्स इंटू वन माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे तो बच्चों
एक मेथड ये है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से इसका डायरेक्ट मैक्सिमम निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट अभी तक क्लास में हुआ नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से ही इसको लिख रहे हैं, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। परफेक्ट स्क्वायर में तो चेंज करने आता है, एक्स स्क्वायर है, 2x है और 1/2 लिख लेंगे। तो ये यानी दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/4। यानी हमें पता चल गया बच्चों कि x यदि 0 और 1 के बीच में है तो x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगा, ठीक है। दैट इज अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/4, बीटा इंटू 1 माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 1/4। सो एज अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट, अल्फा बीटा क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट है। दैट इज अल्फा यदि अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा यदि 1/4 आया है तो बीटा इंटू 1 माइनस बीटा 1/4 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। यानी इनका प्रोडक्ट अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस बीटा लेस देन 1/16। ये समझ में आया क्यों नहीं इक्वल टू लिए, एज अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट, ठीक। सो फ्रॉम, अब हम वापस वाला लाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं है, रिलेशन 1 है, देखो पिछले पेज में इक्वेशन 1 ये वाला। तो हम जब ये ले रहे हैं तो ये है 1/4, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1/16। लेकिन यहां पर हम जीरो लिख दिए है ना, ये तो आपका 1 है, देखो ये तो यहां पर 1 है, देखो यहां 1 से लिखे हुए हैं। तो अब ये आ गया आपका 1/16, है ना। तो 1/16, तो a स्क्वायर इंटू 1/16 दिस इज ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 1/16 के इक्वल नहीं है ये, इस वजह से, ठीक है। तो यहां से a स्क्वायर ग्रेटर देन 16, a नेचुरल है तो a ग्रेटर देन 4 और a लेस देन -4, ये तो वेविकर मेथड भी हो चुका है। बट एज a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो a ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है भाई, 5 से, इसलिए a, यानी a का मिनिमम वैल्यू आ गया, a का मिनिमम वैल्यू आ गया हमें, दैट इज a का मिनिमम वैल्यू अभी तक a आया है बच्चों 5। नाउ अभी अभी हमने वो तो यूज किया ही नहीं है कि एज रूट्स आर रियल, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो दे रखा है। तो d ग्रेटर देन 0, अब a आ रखा है तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए का मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, ए का मिनिमम वैल्यू है 5, तो 4 × 5 यानी 20c। अब सी भी नेचुरल नंबर है, सी यदि 1 लेंगे तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 20 होगा, सी यदि 2 लेंगे तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 40 होगा, तो बी का भी तो मिनिमम ही चाहिए ना। हमने क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो यहां से फॉर मिनिमम बी, है ना, तो बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 20, और ये 20 क्या हुआ, कब हुआ, जब सी 1 हुआ, 20 कब हुआ, जब सी 1 हुआ। तो बी स्क्वायर एज बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा 5 हो जाएगा ना, देखो ये कितना है भाई, रूट 20 मत सोचना, 4 point something सोचो, 4 point something से जस्ट ज्यादा से नेचुरल नंबर 5, है ना। यानी यहां से दैट इज ए का मिनिमम वैल्यू आ गया 5,
बी का भी मिनिमम वैल्यू आ गया 5, और ये कब हुआ है, जब सी है 1, ठीक है, सी क्या है 1, इसका मतलब ये आ गया। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों, क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू 11, यही आंसर हो गया ना। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है जो बच्चों हमने पिछले क्लास में, पिछले वीक के ट्यूजडे में दिया था क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है ये सबको समझ में आया, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन जेई एडवांस कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट है, और ऐसे प्रोसीजर है यदि नहीं याद रहेगा बच्चों, यदि नहीं याद रहेगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक होते रहेगा, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है यदि आपको जेई मेन और जेई एडवांस क्वालिफाई करना है उनके लिए केवल, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे, और अगले क्लास में हम कब क्या करेंगे, अगले क्लास में फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और वेवी कर्व मेथड बेस्ड पर भी कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो भी आपका हो चुका है, और इनइक्वालिटी तो करते ही रहेंगे, हम वो क्वेश्चन करेंगे इनइक्वालिटी के जो प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस या जेई मेन में आए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप एकदम इस सीरीज को देखते रहो और एंजॉय करो, और अच्छे से सारा कंसेप्ट रिवाइज करके सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लिया करो जो यहां पर डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो फिर उसको खुद से सोल्व करो, उससे क्या है वो क्वेश्चन और एज वेल एज सॉल्यूशन वो आपका अपना हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।